अन्नदाता के साथ नाइंसाफी, उनके खिलाफ काले कानून, कतई इस देश के किसानों को स्वीकार नहीं था, हम लोगों को भी स्वीकार नहीं था। यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा ठीक पहले। अब 29 तारीख के जो वापस होंगे, 30 तक जो निरसन के बिल जब पार्लियामेंट के अंदर में पेश होंगे, बिहार की जनता, देश की जनता सब देख रही है ना परिस्थितियां, किन कारण में क्या क्या हो रहा है, सब देख रही है। फर्क पड़ेगा चुनाव, यूपी चुनाव का वहाँ तो खत्म है कहानी बीजेपी का, यूपी में कहा कुछ। का हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। अब इसको लेकर राजनीतिक तापमान क्या है, राजद के प्रदेश कार्यालय में है इस वक्त मेरे साथ प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह यादव हैं। आप लोग भी सड़क पर उतरे किसान आंदोलन के दरमियान, कैसे देखते हैं इस फैसले को? विश्व का सबसे लंबा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने 3 कृषि काले कानून के खिलाफ निरंतर अनवरत संघर्ष किया, आंदोलन किया, काले कानून की वापसी तक यातनाएं सही, डंडों की प्रहार, पानियों की बौछार होने के बाबत भी अपने इरादे से किसान नहीं डिगे, उनके लिए भी एक करारा प्रहार है उनकी नीतियों पर, जो लोग कल तक किसानों को फिलिस्तीनी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहा करते थे, कई सेलिब्रिटी ने भी किस तरह की बातें की थी। राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे 3 जो काले कानून है कृषि के जो वापस हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है निरसन कानून आएंगे पार्लियामेंट के अंदर में, मूर्त रूप होगा, हम इसे किसानों की जीत, सत्याग्रहियों की जीत, विपक्षी एकताओं की जीत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बिहार में सही विपक्षी पार्टियों ने, महागठबंधन के दल के घटक दलों ने 1 कृषि काले कानून के खिलाफ लगातार संघर्ष किया प्रखंड और जिला मुख्यालयों पर, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, किसानों तक ये मामले गए। नीतीश कुमार जी काले कानून के पक्षकार रहे, तो मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए बिहार और देश की जनता के सामने, जो काले कानून के पक्षकार रह करके उसको दुहाई दे रहे थे। कल जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल इसको खुशी दिवस के रूप में मनाएगी, जिला मुख्यालय पर और प्रखंड मुख्यालयों पर हमारे कार्यकर्ता। एक सवाल है, जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे, उस दरमियान किसान जो कृषि कानून थे 3 उसको काला कानून बताया गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे देश के नाम संबोधन, उसमें कहा कि किसानों को समझा नहीं पाए, फायदेमंद तो है हम समझा नहीं पाए, यही वजह है कि वापस लेना हो। 3 काले कानून थे कृषि के। देखिए एक बात मानिए, राष्ट्रीय जनता दल किसान नेता चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिन लोगों ने किसानों को अन्नदाता माना, भगवान माना, सरकार चलाने वक्त उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख करके निर्णय लिया, उन्हीं आदर्शों सिद्धांतों को हम लोग मानते हैं, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसान है। किसान अगर नहीं है तो देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। तो अन्नदाता के साथ नाइंसाफी, उनके खिलाफ काले कानून, कतई इस देश के किसानों को स्वीकार